नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्य एक राज में। आज हम बात करने जा रहे हैं होलिका के दहन के ऊपर। जी हाँ, वैसे तो काफ़ी सारी कहानियाँ हैं होलिका के दहन के ऊपर, इसमें से कुछ हम आज आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार हिरण्यकश्यप जो राक्षसों का राजा था, उसने ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या करी, जिसके बाद ब्रह्मा जी आए, जिसके बाद उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि ना वो धरती पर मर सके, ना वो जमीन पर मर सके, ना वो पाताल लोक में मर सके, ना वो स्वर्ग लोक में मर सके, ना वो घर के भीतर, ना वो घर के बाहर मर सके। जी हाँ, तो इसी के चलते हिरण्यकश्यप को अहंकार उठ चुका था। उसी अहंकार की वजह से उसने विष्णु जी की पूजा करानी बंद कर दी थी और अपनी पूजा करानी चालू कर दी थी। उसने अपने पूरे देश को कह दिया था कि कोई भी उसके देश में विष्णु जी की पूजा नहीं करेगा, सब उसकी पूजा करेंगे। लेकिन उसका पुत्र भक्त प्रहलाद उसके इन विचारों के खिलाफ था। वह विष्णु का परम भक्त था। पिता के काफी मना करने के बाद भी भक्त प्रहलाद विष्णु की पूजा करता था, जिसके कारण हिरण्यकश्यप काफी बार नाराज होकर उसको काफी कड़ी कड़ी सजाएं देता था। जब काफी सजाएं देने के बाद भक्त प्रहलाद पे उसकी सजाओं का कुछ असर ना हुआ, तो राजा हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। हिरण्यकश्यप और होलिका ने यह योजना बनाई कि होलिका भक्त प्रहलाद को लेके एक चलती चिता में बैठ जाएगी, क्योंकि होलिका के पास एक दुशाला था जिससे वह जल नहीं सकती थी। तो उन्होंने सोचा कि होलिका बच जाएगी और भक्त प्रहलाद मर जाएगा। अब जहां होलिका के पास एक दुशाला था जिससे वह जल नहीं सकती थी, दूसरी तरफ भक्त प्रहलाद के पास कुछ भी नहीं था। अब जैसे ही चिता में आग लगाई गई, विष्णु जी की असीम कृपा से होलिका का दुशाला भक्त प्रहलाद के ऊपर आ जाता है, जिसके बाद होलिका भस्म हो जाती है और भक्त प्रहलाद बच जाते हैं। दोस्तों, एक कहानी यह भी है कि होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को बहुत प्रेम करती थी। जब महाराज हिरण्यकश्यप ने चिता में आग लगवाई, तो होलिका ने अपना दुशाला उतार कर अपने भतीजे भक्त प्रहलाद को उड़ा दिया। उनके इस बलिदान के चलते हेतु भक्त प्रहलाद तो बच गए, लेकिन होलिका वहीं के वहीं भस्म हो गई। दोस्तों, होलिका की एक और कहानी प्रसिद्ध है। जी, होलिका और इलोजी की प्रेम की कहानी, जो कि आपने शायद ही सुनी होगी। चलिए हम आपको बताते हैं। इलोजी राजा हिरण्यकश्यप के पड़ोसी देश के राजकुमार थे। वह होलिका से बहुत प्रेम करते थे और होलिका भी उनसे बहुत प्रेम करती थी। यहाँ तक कि उनका विवाह भी तय हो गया था, लेकिन शायद उनकी किस्मत में कुछ और लिखा था। जी हाँ, शायद उनकी किस्मत में कुछ और लिखा था। हिरण्यकश्यप अपने बेटे से बहुत परेशान था, क्योंकि वह उसकी पूजा ना करके विष्णु की पूजा करता था। एक बार उसने होलिका से कहा कि वह उसके भतीजे प्रहलाद को लेकर चलती चिता में बैठ जाए, क्योंकि हिरण्यकश्यप जानता था कि होलिका को वरदान मिला हुआ है कि वह जल नहीं पाएगी, जिसके चलते हेतु होलिका बच जाएगी और प्रहलाद मर जाएगा। परंतु दोस्तों, होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को बहुत प्रेम करती थी, जिसकी वजह से उन्होंने हिरण्यकश्यप को मना कर दिया था कि वह यह नहीं करेगी। जिसके बाद हिरण्यकश्यप ने उनसे कहा कि अगर वह ऐसा नहीं करेंगी तो वह उनकी शादी इलोजी से बिल्कुल नहीं कराएंगे। अब दोस्तों, होलिका यहाँ धर्म संकट में पड़ जाती है कि वह अपने भतीजे प्रहलाद को बचाए या फिर अपने प्रेमी को। अब दोस्तों, हिरण्यकश्यप होलिका और प्रहलाद को चिता पे बिठा देता है, और दोस्तों जैसे ही हिरण्यकश्यप चिता को आग देता है, आग लगाता है, तभी होलिका अपना कपड़ा, अपना दुशाला अपने भतीजे प्रहलाद को दे देती है, प्रहलाद को उड़ा देती है, जिसके चलते हेतु होलिका भस्म हो जाती है और प्रहलाद बच जाता है। और दोस्तों, कहते हैं कि इसी तारीख को होलिका का विवाह भी इलोजी से होने वाला था। इलोजी जब देखते हैं कि उनकी प्रेमिका होलिका भस्म हो चुकी हैं, तो वह उनके प्रेम में अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। जी हाँ दोस्तों, होलिका और इलोजी की कहानी आज भी हिमाचल में काफी प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, आज भी उनकी प्रेम कहानी हिमाचल में याद करी जाती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ कहानियाँ होलिका और प्रहलाद की। अब इसमें से कौन सी सच्ची है, कौन सी झूठी है, ये तो एक रहस्य रह चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।